हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल एनिमल्स और नेचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। क्या आप जानते हैं एस्ट्रोफोबिया से क्या तात्पर्य है? अगर मौसम कुछ घंटों तक खराब रहता है तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति भी खराब होने लगती है। व्यक्ति डर से चीखने और चिल्लाने लगता है, जबकि कई मौकों पर रोने भी लगता है। एस्ट्रोफोबिया एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति आकाशीय बिजली की चमक, बादल की गरज और आंधी तूफान से डरने लगता है। इस दौरान वह अजीब हरकतें करने लगता है, मानो उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इससे वह बचने की कोशिश करता है। कई बार तो व्यक्ति खुद को कमरे में बंद कर लेता है और अपने कानों को उंगली से बंद कर लेता है। अगर मौसम कुछ घंटों तक खराब रहता है तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति भी खराब होने लगती है। व्यक्ति डर से चीखने और चिल्लाने लगता है, जबकि कई मौकों पर रोने भी लगता है। डर से उस व्यक्ति का पूरा बदन कांपता रहता है। आमतौर पर यह बीमारी बच्चों में अधिक होती है। अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो यह अवसाद का रूप ले लेता है। आइए एस्ट्रोफोबिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। एस्ट्रोफोबिया क्या है? यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एस्ट्रा अर्थात आकाशीय बिजली की चमक और फोबिया अर्थात डर है। इस बीमारी में बच्चे और बड़े आकाशीय घटना से डरते हैं। बच्चे तो जोर जोर से चीखने और रोने लगते हैं। एस्ट्रोफोबिया के लक्षण पसीना आना, थरथराना, चीखना, रोना, चक्कर आना, डरा हुआ महसूस करना, हृदय गति तेज चलना आदि है। अगर व्यक्ति अकेला है तो यह काफी खतरनाक हो जाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति उस जगह पर छिप जाता है जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कई बार व्यक्ति बिस्तर में छिप जाता है। एस्ट्रोफोबिया के उपचार इसके लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ सकता है। चूंकि यह एक अवसाद रोग है, इसलिए एस्ट्रोफोबिया का उपचार मनोवैज्ञानिक ही करते हैं। इसका इलाज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए किया जाता है। इस थेरेपी में व्यक्ति को आकाशीय घटना के समय कैसा लगता है और उसे उस समय क्या करना चाहिए, इस बारे में बताया जाता है। कठिन अभ्यास के बाद इस फोबिया से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें अभी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। टेक केयर फ्रेंड्स। धन्यवाद।